हेलो भाई, माय नेम इज अनुज बंसल, वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हम क्या करने वाले हैं, वाटर राफ्टिंग। ये हमारे पीछे गाड़ी दिख रही है, ये ऊपर हमारा राफ्ट है। पूरी वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ तक कैमरा जा सकता है कोशिश ये करेंगे कि आपको पूरी वाटर राफ्टिंग दिखाएं। बहुत डेंजरस है राफ्ट में कैमरा लेके जाना, लेकिन हम पूरा ट्राई करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, तो लेके चलते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना। और हमारी ऋषिकेश की और भी बहुत सारे एडवेंचर है, बंजी जंपिंग भी करी थी हमने, मंदिर भी गए थे, बहुत सारी जगह है, तो पूरी सीरीज आपको हमारे कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी सीरीज देखना। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जस्ट हिट दिस रेड बटन एंड दी बेल। चले भाई बंडू, मास्क की जरूरत नहीं है, मास्क की, हाँ मास्क दे दे, मास्क तो बहुत जरूरी है भाई, वापस आते वक्त मास्क कैसे लेंगे। ये रहा मास्क, लेट्स गो। चलो, और रोहन भाई एक्साइटेड? बिल्कुल। भाई पहले मैं सोच रहा था मैं ना करूं, लेकिन अब मैं भी कर रहा हूं वाटर राफ्टिंग, क्योंकि देखकर मन कर गया हमारा। ये हमारी गाड़ी। हेलो भैया, आपका नाम क्या भैया? और हम कितने किलोमीटर लंबी राफ्ट करने वाले हैं? सर ये 9 किलोमीटर वाला है, गोल्फ क्लब से लक्ष्मण जिला। अच्छा, तो हम इस गाड़ी में जाएंगे, ये हमें लेके जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट तक, क्लब हाउस। अच्छा, क्लब हाउस स्टार्टिंग पॉइंट है। यस सर। और वहाँ से एंड पॉइंट कौन सा है? लक्ष्मण जिला, नीमच, लक्ष्मण जिला। और यही गाड़ी हमें वापस लेके आने वाली एसी पॉइंट तक, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। ओके भैया, थैंक यू, थैंक यू। ऋषिकेश वाटर राफ्टिंग के लिए इंडिया का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ पे वाटर राफ्टिंग की लेंथ 8 किलोमीटर से शुरू हो जाती है, जिसको 12 साल से 65 साल तक के कोई भी युवा कर सकता है। ऋषिकेश में वाटर राफ्टिंग करने का बेस्ट टाइम है सितंबर से मई तक, और हमने ये वाटर राफ्टिंग की थी अक्टूबर 10, 2020 को। ऋषिकेश में वाटर राफ्टिंग करने की 4 लेंथ है, जिसमें पहली है क्लब हाउस यानी ब्रह्मपुरी से लेकर ऋषिकेश की, जो की है 8 किलोमीटर की। दूसरी है शिवपुरी से ऋषिकेश, जो की है 16 किलोमीटर की। तीसरी है मरीन ड्राइव से ऋषिकेश, जो की है 26 किलोमीटर की। और चौथी है कौडियाल से ऋषिकेश, जो कि है 35 किलोमीटर की। आपका नाम क्या है भैया? गजेंद्र भंडारी। गजेंद्र जी, आप हमें लेके जाएंगे राफ्ट के अंदर? जी सर। तो कितने टाइम लग जाएगा हमें ये 9 किलोमीटर की राफ्ट करने में? 1 से 1.5 घंटे के बीच लगेगा, 9 किलोमीटर का सेक्शन है, काफी फन आने वाला आपको, और थोड़ा डेंजरस भी रहेगा, है ना? डेंजरस भी है। एडवेंचर कर रहे हैं सर, तो एडवेंचर का मतलब डेंजर तो होगा ही होगा। और सर एक बात और बताइए, जिनको तैरना नहीं आता वो भी कर सकते हैं? जैकेट्स होती है हमारे पास, जो फ्लोटेबल होता है। अच्छा, वो आपको डूबने नहीं देगा, तो 72 घंटे का टाइम होता है उसका, 72 आवर्स कंटिन्यू वो आपको फॉलो आउट करके रखेगा। उसके अलावा हमारे पास सेफ्टी होता है, हेलमेट, जैसे राफ्ट के ऊपर बैठे अगर इनकेस कोई गिर जाता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। हमारे पास और भी सेफ्टियां हैं, जैसे हमारे पास 20 मीटर कॉइल रोप होता है। अच्छा, ओके, थ्रो बैग बोलते थे, तो जिसको पानी में फेंक के लोग उसको पकड़ के आप खींच सकते हो जी। अच्छा। अगर आप 10-15 मीटर दूर भी चले जाते हैं तो आप डूबेंगे नहीं, आप दूर से हम आपको थ्रो बैग से रेस्क्यू में ले लेंगे। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी जैसे राफ्ट पलट गई हो? जी हाँ, चांसेस होते हैं सर। अभी जिस सेक्शन में हम जो 16 किलोमीटर वाली राफ्टिंग है, इसमें तो ये 99% फ्लिप होने के चांसेस होते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, तो हमारा थोड़ा सेफ रहेगा। हाँ, हमारे यहाँ से लगभग रैपिड आएंगे, 5 रैपिड आएंगे, जो इसमें 3 रैपिड थोड़ा मेजर रैपिड है। ऋषिकेश में राफ्टिंग करते वक्त आपको 4 तरीके के रैपिड्स मिल सकते हैं। रैपिड मतलब राफ्टिंग करते हुए रुकावटें। सबसे पहला रैपिड है ग्रेड 1 का, जिसको बोलते हैं इजी एंड स्मॉल वेव्स, जिसमें राफ्टिंग करते वक्त आपकी वेव ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। दूसरा है ग्रेड 2 का रैपिड, जिसको बोलते हैं मॉडरेट डिफिकल्ट वेव्स, जो इजी लेवल से थोड़ी ऊंची रैपिड्स होंगी और हल्की फुल्की डिफिकल्टी आपको इसमें हो सकती है। तीसरा है ग्रेड 3 रैपिड्स, जिसमें आपकी राफ्ट पतले पतले रास्तों से गुजर सकती है और बड़ी और डिफिकल्ट वेव्स आपको मिल सकती हैं। और आखिरी और सबसे डिफिकल्ट है ग्रेड 4, जिसको कहा जाता है पावरफुल रैपिड, जिसमें वेव्स इतनी बड़ी हो सकती हैं जैसे सामने कोई दीवार खड़ी हो। तो मेजर रैपिड पे मैं कोशिश करूंगा फोन अंदर ही रखूं। फोन तो पैक करना ही होगा, क्योंकि कई बार गिर गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आपकी, है ना? हमारी जिम्मेदारी है कितनी, देख लो गाइस, रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, जितना हो सकेगा उतना रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा GoPro है उसका हमारे पास हार्नेस था छोटा सा, जिसमें हम GoPro लगा सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बैटरी भी खत्म हो गई है और उसका कार्ड भी, जब तक हम मसूरी नहीं पहुंचे तब तक हम उसको रिचार्ज कर नहीं सकते, इसलिए हमें फोन के कैमरे से ही करना पड़ेगा। देखते हैं, हमारे 5 रैपिड आएंगे बीच में, इसमें से 3 खतरनाक होते हैं, मजा तो आने वाला है, भीग भी जाएंगे, बट इट विल बी फन फॉर श्योर। सर आपका नाम क्या है? सुनील भंडारी। सुनील भंडारी, अच्छा सर, ये कितनी दूर है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, कितना टाइम लगेगा पहुंचने? अभी यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे जाना है, इस जगह का नाम फुलचट्टी है, जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर हमारा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये भाई मेन रोड से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं नदी की तरफ, फूल घाटी है इस जगह का नाम। 2 गाड़ी आ गई, वो कहते हो? अच्छा, वो भाई साहब गाड़ियों में बिगाड़ी।
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, 9 साल से राफ्टिंग कर रहे हैं आप, तो इसमें सर्टिफिकेशन भी होता है कुछ या ऐसी? हाँ, हमारे उत्तराखंड टूरिज्म देता है, हमें यहाँ पर पहले प्रैक्टिस दिया जाता है, हमें 1-1.5 साल का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद हमें टूरिज्म वाले हमारे चेकअप करते हैं कि इसका कर पा रहेगा गाइडिंग या नहीं, ट्रेनिंग लेते हैं हमारे यहाँ पर, उसके बाद हमें वो लाइसेंस देते हैं टूरिज्म से मिलता है, और ये बिजनेस खोल सकते हैं जी। भाई पहुंच गए हैं, ये वो जगह है जहां से हमें राफ्ट मिलेगी, थोड़ा सा एरिया सा बना रहेगा, यहां से हम राफ्ट शुरू करते हैं। हमारी राफ्ट ये उतर रही है, ये होगी हमारी राफ्ट। कुछ शीशे का टूटा है भैया, पता नहीं क्या है ये, कुछ तो है, बहुत मजा आने वाले। एक्साइटेड भाई रोहन? एक्साइटेड, मरा जा रहा है। बंजी जंपिंग में जैसा डर लग रहा था वैसा ही है, इसका भी खतरनाक होगा। वाह बन्ने भाई, तुम तो बड़े रिलैक्स और चिल्ड आउट लग रहे हो। भगवान भोलेनाथ देख लेंगे, नीलकंठ महाराज सब देख लेंगे। ये पूरा एक क्रू तैयार हो चुका है, ये जाने वाले हैं, ये हमारा नहीं है। चलो, ये है हमारे लाइफ जैकेट्स। मास्क भी पूरा भीगेगा? मास्क भीग तो जाएगा, पॉकेट में तो रहेगा, धुल जाएगा। भाई तैरना आता हो ना आता हो, लाइफ जैकेट जरूर पहनो। इनको क्या बोलते हैं भैया? पैडल। ये हैं हमारे पैडल। आप पैडल करोगे या सिर्फ गाइड करोगे? पैडल भी करोगे। अच्छा, दोनों करोगे। डायरेक्शन मेरे हाथ में होता है, एक्सीलेटर आपके हाथ में रहेगा। अच्छा अच्छा, तेज चलाना कैसे चलाना है भाई? सारे पैडल तो अकेला चलाने वाला है क्या? हमें भी दे दो एक। ये है अपना पैडल। मन्नू चश्मा टाइट नहीं हो गया, ऐसे रहेगा। अबे जूते तो उतार दो गाड़ी में। भैया गाड़ी में जूते रखने हैं। आज नीचे आ जाओ, ऊपर ले आएंगे। चलो भाई वाटर राफ्टिंग आज दिखा देंगे दुनिया को कि हम नहीं डरते। भाई अगर कोई टपक गया तो तुम्हारी मम्मी पापा को क्या बोल रहे बता दो पहले। रोहन की मुंडी काट दी गई शेर के द्वारा। रोहन तेरी मम्मी को बोल दूंगा, रोहन रो रो के बिलक बिलक के मरा था। या मैं बोलूंगा तेरी मम्मी को कि बहुत हिम्मत से गया है वो, टेंशन मत लेना आंटी। बहुत दम दिखाया, बहुत दम दिखाया आंटी। ये रहा हमारा भाई, मेरी फट रही है। भाई ऐसे पानी है, इतने सारे लोग, ये सब राफ्टिंग के अलग अलग अपनी क्रू हैं, ये सब जा रहे हैं। हमारे ब्रो ने अपना गोप्रो कैमरा लगा लिया है हेलमेट पे, बहुत बढ़िया। यस भैया, एनी इंस्ट्रक्शंस? दिखने वाला सामान है कोई भी इसमें डाल दीजिएगा। अभी है बस गाड़ी, आप डाल दो। मैं जाने से पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, किस तरह आप राफ्ट में रोइंग करते हैं, किस तरह आपको बैठना होता है, किस तरह आप अपना सेल्फ रेस्क्यू करेंगे, सब बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट हमारे पास एक पैडल होता है, पैडल हमारे 3 भागों में डिवाइड है, टी, सार्फ एंड ब्लैक। आप इसे होल्ड किस तरह रखेंगे? थंब डाउन, फोर फिंगर अप, नेक्स्ट हैंड जस्ट नियर द ब्लेड। किस तरह आप इसे होल्ड रखेंगे? बैठना किस तरह होता है राफ्ट में? जब हमें पता लगता है कि हमारी बोट कहीं रॉन्ग साइड चला जाता है, जहाँ पर हमारे गिरने या पलटने के चांसेस होते हैं, क्रू सिचुएशन में मैं आपको गेट डाउन कमांड दूंगा, तो आपको रस्सी पकड़ के बोट के अंदर बैठना है। जब आप बोट से बाहर गिर जाते हैं तो पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, आपके पास एक बेस्ट लाइफ जैकेट है, कंटिन्यू आपको 72 घंटे तक फॉलो अप करके रखेगा, ठीक है ना। तो जस्ट आपको रोप होल्ड करना है, अगर आप पानी में गिर जाते हैं, अगर आपसे ये रोप होल्ड नहीं हो पाता, आप कुछ ही दूरी पे बह रहे हैं, तो आप एक दूसरे की हेल्प के लिए पैडल पास करा सकते हैं और उससे खींच सकते हैं अपने पास। थर्ड ऑप्शन हमारे पास थ्रो बैग होता है, अगर आप 10-15 मीटर दूर बह जाते हैं तो तब हम इस बैग को आपके पास थ्रो करेंगे। बैग का ये पार्ट हमारे पास रहेगा, पूरा बैग खुलता हुआ आपके पास आएगा, तो आप इसे होल्ड करना है, आपको मिल जाएगा। पानी में गिरने के बाद आपको पोजीशन कौन सी लेनी होती है? फेस के बल पानी में नहीं रहना है, आदमी गिरता फेस के बल है, यू टर्न करने वाले और बैक फ्लोटिंग में लेटा रहना आपको पानी में।
ठीक है ना। बाकी किसी को कुछ मेडिकल कंडीशन, अस्थमा 8 पेशेंट, नहीं ऑल मेडिकल फिट, सब फिट है सर। ठीक टाइम से बोलेंगे गंगा मैया की जय, चिरमिर चिरमिर धूम धड़ाका, चिरमिर चिरमिर धूम धड़ाका भाई, जबरदस्त पने, जबरदस्त। अभी दो दो तीन रैपिड करते हुए आए हम, बहुत मजा आ गया। अभी थोड़ी शांत रिवर है तो हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पाव लगा के चलाएंगे जोर से। गो जंप जंप, हाँ रस्सी पकड़ो, कूद जाओ, यो आड़े वाला कूद जाओ। अभी यहाँ पर क्लिप जंप पॉइंट भी आएगा जस्ट, हाँ तो वो भी अभी एक्टिविटी कराएंगे हम, जैसे उस रॉक से पानी में कूदना है। ठीक है, चलो 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 चलो, रेडी रेडी, चलो भाई स्टार्ट स्टार्ट, 1 2 3। फॉरवर्ड मूव, फॉरवर्ड मूव, ओके स्टॉप। सो थैंक यू टीम, गुड पैडलिंग, थैंक्स फॉर ऑल। सो अभी पैडल जैकेट हेलमेट आप पहन के रखेंगे, थोड़ा सा हमारे साथ हेल्प करेंगे ऊपर ले जाने में गाड़ी तक। ये क्या हो रहा है रोहन भैया, क्या कर रहे हो भाई, कपड़े बदल रहे हो रोहन? अच्छा राफ्टिंग करके आए रोहन, कपड़े बदल रहे हैं। मन्नु तुमने बदल लिए क्या? अभी कच्चे नहीं है, कच्चा है, कच्चा। तो भाई ये थी हमारी वाटर राफ्टिंग, बहुत जबरदस्त मजा आया। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से मसूरी, और मसूरी में भी हमारे मसूरी माल रोड घूमने का प्लान है। देखो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मसूरी झील है जहाँ पे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं, और कैंप्टी फॉल भी है। कैंप्टी फॉल में कुछ ज्यादा करने को है नहीं, लेकिन हाँ एक बार को विजिट बनता है। तो अब हम मसूरी जा रहे हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाओ, और अगर आपको लगता है कि वाटर राफ्टिंग किसी को करनी है और ये वीडियो काम आएगी उसके, तो उसको शेयर जरूर कर देना। और हमने जहाँ वाटर राफ्टिंग करी है उसका फोन नंबर और उसका नाम भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। बहुत जबरदस्त थे हमारे गाइड जो हमारे साथ थे, बहुत अच्छी तरह उन्होंने मजे करवाए हमको। वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना, और अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जस्ट हिट दिस रेड बटन एंड दी बेल। और ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है मसूरी ऋषिकेश और हरिद्वार की, तो आप ये पूरी सीरीज देखो, सारी वीडियो जबरदस्त है। इसमें हमने कैंपिंग करी है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करे, हरिद्वार में गंगा जी में नहाए हैं। पूरी सीरीज का लिंक आपको हमारे कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर जाना। और अगर आप भी कहीं घूमना चाहते हैं, सिर्फ ऋषिकेश ही नहीं और भी कहीं घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ग्रुप बना रखा है जिसमें सारे ट्रैवल एक्सपर्ट्स हैं। एक तो अनुज बकेट को जो लाइक करता है वो उसमें है, और ऊपर से जो जो घूमता रहता है, जहां जहां घूमता रहता है, सबके सब वहां पर हैं। इससे क्या होता है कि किसी को भी घूमना होता है तो वो अपनी क्वेरी डाल देता है उस ग्रुप पे, और उसकी जो भी हेल्प करना चाहे, जो भी क्वेश्चन का सवाल आपको उस ग्रुप पे मिल जाएगा। उस ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो वो ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, अभी हम मसूरी जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप हमें मसूरी देखना, होटल देखना, माल रोड देखना, जो भी होगा सब देखना। सो इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते।